बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे के प्रयासों से प्रारंभ हुआ हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम नवी मुंबई करों को जमकर लुभा रहा है। महानगर पालिका के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में आज सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया और योग और जुम्बा डांस करते हुए आनंद लिया। इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देते हुए विधायक मंदाताई मात्रे ने हैप्पी स्ट्रीट को तनाव मुक्त और स्वस्थ रहने का मंत्र बताया। देखिए रिपोर्ट। पाम बीच रोड पर आयोजित फिटनेस और आनंद का कार्यक्रम हैप्पी स्ट्रीट जमकर लुभा रहा है। बेलापुर के विधायक मंदाताई मात्रे के प्रयास और नवी मुंबई महानगर पालिका के सौजन्य से यहां दूसरा हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम रहा, जिसमें असंख्य नागरिक ने जुम्बा, साइकिलिंग, स्केटिंग समेत अनेक शारीरिक अभ्यास में हिस्सा लिया और छत्रपति शिवाजी महाराज की रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर मनपा अधिकारी दादा साहब चाबूस्कर और स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद थे। यहां लोगों का हौसला बढ़ाते हुए विधायक मंदाताई मात्रे ने हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम को पर्यावरण संवर्धन और स्वास्थ्य जागरूकता का जरिया बताया। उन्होंने कहा कि तनाव भरी दिनचर्या में हैप्पी स्ट्रीट स्वस्थ और आनंदित रहने का एक जरिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से और नवी मुंबई महानगर पालिका मिलकर ये जो कार्यक्रम हैप्पी स्ट्रीट जो इधर लिया है, आज सेकंड संडे है, अभी बारिश आने वाले, मगर लोगों की आज आपने देखा जो चेहरे पे जो खुशी है, जो आनंद है और एंजॉय कर रहे थे बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन तक, तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इसी के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया लोगों को एक साथ आना चाहिए, लोगों के साथ मिलकर अपने सुख दुख एंजॉय कर। आज देखो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिन है, इसलिए यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भी रैली निकाली हुई है, ढोल बज रहे हैं, लोग योगा कर रहे हैं, लोग जुम्बा कर रहे हैं, स्केटिंग है, साइकिलिंग है, बैडमिंटन है, जो जो अपना अपना आनंद अपने अपने तरीके से उठा रहे। फिर हमारी जो चीज़ें खराब होती है उससे हम अच्छी चीज़ कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी प्रदर्शन है। अभी पानी बारिश आने वाला है, मलेरिया स्टार्ट होने वाला है, तो पालिका ने स्वच्छता अभियान का एक डेमो लगाया है कि पानी में जमा करके नहीं रखना चाहिए, उसमें कीड़े मकोड़े घर के मलेरिया हो सकता है, उसका डेमो चालू है। मेरे को लगता है महानगर पालिका ने ये अच्छा प्रोग्राम इस इधर किया हुआ है, लोगों को उसका एक अच्छा फायदा आने वाले बारिश में मिलने वाला है। आप सभी लोगों के माध्यम से गए दो संडे हम लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित करके उसका आनंद ले रहे हैं और इनके आनंद में ही मेरा आनंद है। यहाँ मौजूद वरिष्ठ नागरिक भी इस हैप्पी स्ट्रीट का जमकर आनंद ले रहे थे। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सानपाड़ा सेक्टर 10-8-9 आमले साहेबांच्या सहकार्यामुळं इथं बोलवल्यामुळं आम्ही इथं आलेलो आहोत। इथं आल्यानंतर आम्हाला खूप म्हणजे चांगलं वाटलं आणि जे कार्यक्रम राबवले जातात ते चांगल्या प्रकारचे आहेत, त्यामुळे लहान मुलं किंवा वयस्कर लोक यांना त्याचा बऱ्याच प्रकारे म्हणजे आनंदाचा उत्सव मिळतो। आम्ही आमच्या सिनियर सिटीजनच्या कट्ट्यावरती आम्ही सकाळी 7 टाळ्या वाजवतो, त्या पद्धतीने इथे येऊन आम्ही योगा वगैरे करून टाळ्या वाजवून आम्हाला ते बरं वाटलं। कार्यक्रम जो आहे ताईने बोलवलं होतं, आम्ही सगळे सिनियर सिटीजन आलो आणि खूप एन्जॉय केलो। स्टेजवरती फार सुंदर कार्यक्रम झाले आणि आम्ही पण सिनियर सिटीजन डान्स केलो, गायलो आणि मार्च केलो आपण आणि खूप आनंद आम्हाला मिळाला। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।